ऊर्जावाग में 2000 पदों की घोषणा की, उसमें ना टेक्निकल हेल्पर की नहीं आई, वही अयन जैन की नहीं आई, पंचायत राज विभाग में नहीं आई। हमने अल्टीमेटम दिया कि भैया अग्रेस बोर्ड के द्वारा जो अभ्यर्थना है उनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, चाहे वो कर्षित रक्षक हो, चाहे बीएलबी की जो फायरमैन हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, जई हो, ग्राम सेवक हो। उन्होंने कर्षित रक्षक की तो निकाल दी, एसआई भर्ती भी निकाल दी जो आदमी ऐसी प्रदर्शन करके आए थे। इन लोगों को, इन अधिकारियों को प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और लोगों के जो बेरोजगारों का हंगामा पसंद आता है उससे पहले जागते नहीं है। 22 तारीख को हम प्रदर्शन करके आए, उससे पहले क्या एसआई की भर्ती की विज्ञप्ति नहीं निकाल सकते थे? जब हमें चेतावनी दी तब वो कर्षित रक्षक निकाले, और भाई आपके पास अभ्यर्थना ही पड़ी तो निकाल लिए। हमारे जो तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर तो होंगे, लेकिन मुझे सारे जो ये ज्ञापन मिले हैं, इन ज्ञापनों को मैं कुछ जाने के बाद देखता हूँ और मानसिक तंत्र शामिल भी करते हैं। जो हमारी जो है 2013 से जो तमाम लंबित भर्तियाँ, नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो ऊर्जावाग की भर्तियाँ हो, चाहे फर्स्ट एड हो, सेकेंड थर्ड हो, पीटीआई हो, पशुधन सहायक हो, जो तमाम विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती है जो बजट में घोषणा की थी। पंचायती राज में करीब मुझे लगता है कि 90-95% खाली, 93% विधानसभा चल रही है और 11 तारीख से साझापुर बोर्डर पर राजस्थान के बेरोजगारों की विधानसभा